उतनी ही एक्साइटेड मैं भी हूँ। 14 साल के बाद शो लोगों तक एक बार फिर पहुँचेगा, घर घर में पहुँचेगा, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि एक ही लाइफ टाइम में एक शो, इतना लंबा शो एक बार फिर से लोग देख पाएंगे। एक पूरी नई जेनरेशन है जो इस शो को देख देख के बड़ी हुई है, वो देख पाएंगे और शायद अब उनके बच्चे भी देख पाएंगे। मुझे जब पता चला कि शो का एक बार फिर से प्रसारण होने वाला है, तो पहले तो मुझे लगा कि ऐसे ही कोई र्यूमर होगा, लेकिन बाद में जब मुझे बताया गया कि प्रोमो आया और इतना इसका मैसिव रिस्पांस मिला है, तो आई वाज वेरी हैप्पी और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि भावुक मैं हो गई कि इतने सालों बाद भी लोगों को इतनी बेसब्री से शो का इंतज़ार था। बहुत सारे फैंस हैं जो हमेशा ये कहा करते थे कि ये शो हम कहाँ देख सकते हैं, हम जब हमारी मम्मी देखती थी तो हम भी इस शो को देखना चाहते थे, लेकिन ये शो कहीं पर था नहीं। तो अब एक बार फिर से ये शो आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी, माय फैमिली इज़ वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हैं। मुझे आज सब लोग बधाई दे रहे थे कि एक बार फिर आ रहा है, हमारी कास्ट में सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत सारी यादें आज ताज़ा हो गई पार्वती की तरह तैयार होने में, क्योंकि जब हम पहले रेडी हुआ करते थे तो क्या क्या हुआ करता था, इतने सालों के बाद आज फिर वो सब किया, इस तरह से बाल बनाए, गजरा लगाना, बिंदी, बिंदी के नीचे डायमंड, मंगलसूत्र, और जो भी एक किरदार की लुक है उसको क्रिएट करने में आज फिर से बहुत मज़ा आया, और मेरी टीम ने बहुत मेहनत भी की इसके लिए, उसके लिए उन्हें थैंक यू। एंड बहुत सी यादें मेकअप रूम की, जब हम सारी फीमेल कास्ट एक छोटे से मेकअप रूम में बैठते थे और सारी मेल कास्ट एक दूसरे मेकअप रूम में बैठते थे, और उन दोनों मेकअप रूम के बीच में उसका कार्डबोर्ड का जैसे एक पार्टीशन था और एक ही एसी था, तो हम आपस में उस झरोके के थ्रू बात करते थे जहाँ पे एसी था, और बहुत सी यादें हैं। मतलब मैं बोलना चाहूँ तो 8 साल शो चला, 8 साल में तो पता नहीं लाखों यादें हमने बनाई। हम लोग सभी बहुत एक्साइटेड रहे, मेरी अली और श्वेता कोआत्रा से बात हुई, हम लोग एक्साइटेड थे इस शूट के लिए भी कि हम मिलेंगे। हम लोगों का बहुत मन था कि हम सब साथ मिलकर ये प्रमोशन कर पाते, अगर ऐसा कर पाते तो कुछ और ही रंग होता, मज़ा ही आ जाता। एक हम कोशिश कर रहे थे, अपने हमारा एक ग्रुप है उस पर हम कोशिश कर रहे थे कि हम एक रीयूनियन भी करें, तो हमें लग रहा था कि इसी के ज़रिए, प्रमोशन के ज़रिए ही हम अपनी रीयूनियन प्लान कर लेते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अब हमारे पास एक वैलिड रीज़न है उस रीयूनियन को करने का, क्योंकि शो दोबारा आ रहा है, तो होपफुली जल्दी हम सब लोग मिलेंगे भी। बहुत बहुत, मतलब ऑफ स्क्रीन मस्ती तो इतनी कि डायरेक्टर को कभी कभी हम लोगों पे गुस्सा करना पड़ता था कि भाई सीरियस हो जाओ, हमारा शो इतना सीरियस था, उसमें हम लोग इतनी सीरियस सीरियस बातें करते थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन बिल्कुल उसका उल्टा था। एंड स्पेशली यू कैन इमेजिन अली जहाँ पे है, अली असगर वहाँ पे, तो सीरियस होना मुश्किल है। तो हमारी पूरी जो टीम थी वो खूब मस्ती किया करती थी, और बड़ी मुश्किल से हम सीरियस सीन करते थे, खूब हंसते थे, खूब डांट खाते थे, लेकिन बहुत मज़े किए हमने। एक्चुअली तो मुझे एक बार मैं तैयार हो गई उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन हाँ उस टाइम पे ये था कि हम रोज़ शूटिंग किया करते थे लगभग, और बहुत मेहनत किया करते थे, सुबह से शाम तक काम करते थे, कभी कभी ब्रेक्स भी नहीं लेते थे, और दिन में बहुत सारे सीन्स करते थे। लेकिन आज तो इट्स अ प्रमोशनल शूट, लेकिन अगर आप भावना पूछें तो आज भी मेरे मन में इस शो को लेके उतना ही स्नेह और उतना ही ग्रैटिट्यूड है जितना हमेशा था, या जब ये शो ऑन एयर था तब था। अभी मेरा तो, मेरा कभी कोई प्लान होता नहीं है, मैं तो जो प्लान समझ में आ जाता है उसको कर लेती हूँ। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि क्या करूँ नेक्स्ट, OTT पे शायद कुछ और करूँगी इस साल, तो करूँगी तो आप लोगों से तो छुपा नहीं रहेगा, आप लोगों को पता चल ही जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग
हम लोगों को बहुत सैक्रिफाइसेस के बाद आज़ादी मिली है, इसलिए हमें इसे बहुत सहज के रखना चाहिए और देश के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति थोड़ा सा हम सबको संवेदनशील होना चाहिए, थोड़ा सा हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो देश हमारा है बहुत प्यारा देश है और इसको संभाल के रखना हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।